समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आज रेहटी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार में जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील पहुंचे, साथ में पूरा प्रशासनिक अमला लिए, जिसमें जिला कलेक्टर एसपी और सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मंत्री जी और कलेक्टर एसपी द्वारा पौधारोपण किया गया, फिर जनता दरबार लगाया और जनता की समस्या सुनी और आवेदन लिए और मौके पर निपटारा किया गया। इस मौके पर मंत्री जी के उद्बोधन में कहा, ये कमलनाथ की सरकार है और यहाँ क्षेत्र पाँव पाँव वाले भैया का है, जो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं पर क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। उनकी सरकार 15 साल में 15 बार भी घर घर नहीं पहुंची। सरकार हमारी सरकार धर्मनिरपेक्ष है। हमने महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए दिए और हमारा आवेदन का तरीका भी अलग है। आपने जो आवेदन दिया वो कलेक्टर सबके पास जाकर उसका निराकरण होने के बाद मेरे और कलेक्टर के दस्तखत होंगे और एक कॉपी आपके पास पहुंचेगी। जो 15 साल में 15 मरतबा भी आपके पास नहीं आई हो। और जब मैं यहाँ आया तो रास्ते में सोच रहा था, ये पाँव पाँव है हमारे भैया का क्षेत्र है, यहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन इस विधानसभा में दाखिल होते ही समस्याओं का अंबार लगता है। कहीं स्कूल में जगह नहीं है, कहीं मैकेनिकों को जगह नहीं दी गई, कहीं बच्चों के खेल मैदान नहीं है। इन सब बातें और बहुत सारी बातें हैं जो तफ्तीश से हम सबसे ज़्यादा आप सबको मालूम है, लेकिन पाँव पाँव वाले भैया थे, अब हवाई हवाई वाले भैया हो गए और अब मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले भैया हो गए। वो कमरे में हमारे नेताओं के लिए क्या क्या कहते हैं, हम तो आपको आदरणीय कह रहे हैं भाई साहब, मुंह में जबान हमारे भी है, अगर हमारी जबान खुल गई तो हम ये पूछ लेंगे कौन कौन सी बैंक के तुमने मुख्यमंत्री निवास में खोली थी और उन बैंक के लिए नोट गिनने वाली मशीन कहाँ कहाँ से बुलाई थी। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।